इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बांदा जिले से है। माफिया मुख्तार अंसारी की हृदय गति रुकने से मौत हुई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बांदा जिले से है। बिल्कुल आपने सही सुना, इस वक्त की बड़ी खबर मुख्तार अंसारी की डेथ हुई है। माफिया मुख्तार अंसारी की इलाज के दौरान मौत हुई है। तबीयत खराब होने पर जेल से लाया गया था मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की देर रात मौत हो गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। जेल की बैरक में मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने पर जेल प्रशासन रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। सूचना मिली कि मुख्तार अंसारी को आईयूसी से सीयू में भर्ती करना पड़ा है। यहां मुख्तार अंसारी के इलाज में 9 डॉक्टरों की टीम लगाई गई थी, लेकिन अंत में सफलता नहीं मिल पाई। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल कर के आ रही है यूपी के बांदा जिले से। आप सभी दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात मौत हो गई है। जेल की बैरक में मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने पर जेल प्रशासन रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले आया था, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही थी और इलाज के दौरान मौत की पुष्टि हो चुकी है। सूचना मिली कि मुख्तार अंसारी को आईसीयू से सीसीयू में भर्ती करना पड़ा है। यहां मुख्तार के इलाज में 9 डॉक्टरों की टीम लगाई गई, हालांकि मुख्तार की जान नहीं बच सकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। इससे पहले मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने कब्ज की समस्या बताई थी और इलाज के बाद उसी दिन कारागार भेज दिया था। बुधवार को जेल में उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया था, जिसमें सब सामान्य मिला था। जी हाँ, इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि सारी इलाज के दौरान सब कुछ सामान्य मिला था, लेकिन अचानक फिर तबीयत बिगड़ी है और लगभग रात्रि 9:30 से 10:30 के बीच उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के जो माफिया, पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर भारत इनके खौफ से खाता था। इनको पूर्वांचल का माफिया कहा जाता था। और आप सबको बता दें कि सुनवाई के दौरान लगा था आरोप। 60 वर्ष के हो चुके मुख्तार ने सुनवाई के दौरान अदालत में आरोप लगाया था कि जेल में उनकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है, उसे खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ रही है। मामले में MPMLA कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी थी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पूरे मीडिया जगत में ये सुर्खियां बनी हुई है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा कि मुख्तार अंसारी ने जो MPMLA कोर्ट में यह आरोप लगाया था कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा था, इस बात की चर्चा लगभग विगत सप्ताह से चला आ रहा था कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा है, सुर्खियों में बनी थी। लेकिन आज उनकी यह अंदेशा सच साबित हुई। मामला चाहे जो भी हो, धीमा जहर का हो, लेकिन वर्तमान में डॉक्टरों ने पुष्टि किया है कि हृदय गति रुकने से उनकी मौत हुई है। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर व मऊ समेत अन्य संवेदनशील जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर पुलिस लाइन में भारी संख्या में फोर्स निकाली जा रही है। सूचना मिली है कि मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लगा दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इस वक्त की बड़ी खबर कि मुख्तार अंसारी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। यह मौत लगभग करीब 9:30-10:30 के आसपास की हुई है। तो बिल्कुल आपने सही सुना, इस खबर पे हम पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। नमस्कार।